नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना के हाहाकार के बीच देश बेहाल है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है, जहां सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा। दिल्ली सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसी बीच दिल्ली में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या अब तक 1 लाख की हो गई है। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के बीच तमाम दावे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन ऐलान किया कि बैंकॉक से टैंकर्स मंगाए जाएंगे और फ्रांस में ऑक्सीजन प्लांट मंगाए जाएंगे। और इस बीच दिल्ली में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे भी आ गई है और आने वाले दिनों में इनकी रफ्तार बढ़ सकती है। मंगलवार को ही दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट और केंद्र सरकार से खरी खोटी सुननी पड़ी। और आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर ऑक्सीजन किल्लत को लेकर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो वो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो वहीं एक चिट्ठी में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि अगर आप लापरवाही ना करते तो ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हो रही है वो टल सकती थी। देखिए, पैंडेमिक का समय है, आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम पब्लिसिटी भी अपनी नहीं करनी चाहिए। कल तक आप चिल्ला रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। आज आप आके कहते हैं कि आज से राहत हो गई, अब धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अति निराशावादी से आशावादी बनने में 12 घंटे का समय नहीं लगता है, ऐसे पैंडेमिक मैनेजमेंट होता है। नी जक रिएक्शन पे सरकारें नहीं चलती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आईना सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, उन तमाम राज्य सरकारों को दिखाया है जो पब्लिसिटी और ढोल पीटने में है, काम करने में थोड़ा कम है। देखिए, स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली सरकार हो, एक नेशनल इमरजेंसी का स्टेट हो तो कोई भी कोर्ट शांत नहीं बैठ सकता है, कोई सरकार शांत नहीं बैठ सकती है। सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, सबकी है। अगर हम ठीक है, हम लड़ सकते हैं पैंडमिक से, हम जीत सकते हैं, लेकिन नुकसान तो होगा। तो यहाँ हर एक की जिम्मेदारी है कि उस नुकसान को कम से कम कैसे करें। किसी एक अहम के कारण, किसी एक के ईगो के कारण, किसी एक की गलती के कारण जिंदगियों का नुकसान नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। वेदांता से अभी ऑक्सीजन मिलेगा। अभी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नहीं है, प्राण रक्षक वायु है। अभी क्या कारण है जयराव जी कि कोर्ट सही मामले में इंटरफेयर कर रहा है, आपको करना पड़ रहा है, स्थिति को देखते हुए उन्होंने पूछा है कि प्राइवेट लोग कैसे रेमडेसिविर दवाई खरीद और बेच रहे हैं। बम्बई हाईकोर्ट ने सेंटर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है कि हर चीज सरकार के नियंत्रण में रहती है, कोर्ट भी ये चीज जानता है। कालाबाजारी है, इसको कोई धुन डिनाई नहीं कर सकता है। सरकारें प्रयास करती हैं कालाबाजारी रोकने की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमेशा केंद्र सरकार की होती है, इसलिए प्राइमरी जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन राज्यों की भी है कि अगर उनके राज्य में कालाबाजारी हो रही है तो वो छापामारी करें। हमने देखा कि रेमडेसिविर 50-50 हज़ार रुपये में बिक रही थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो बम्बई हो। और ये हमेशा महामारी के समय ही होता है। रिसर्च ने एक चीज और शो करी है, और वो ये चीज शो करी है रिसर्च ने कि प्रेफरेबल ये है कि अब हम डबल मास्क पहन के चले। डबल मास्क से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम एक सर्जिकल मास्क पहने और एक कॉटन का मास्क पहने, अगर हम उन दोनों को इकट्ठा पहनेंगे तो उससे लगभग हम 85-88% कीटाणु से जो हमारे सांस में जाना है उसको हम रोक सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पुख्ता अब रिसर्च के रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आपने भी देखा होगा कि आपका जब अभी प्रिंस फिलिप्स का जब दाह संस्कार हुआ था तो उसमें महारानी ने भी डबल मास्क पहना हुआ था। तो जनरल पब्लिक हेल्थ के अंदर सेफ्टी के लिए डबल मास्क को हम प्रेफर करेंगे। हाँ, पर आपको याद रखना है कि अगर हमने N95 मास्क पहना है तो हमें डबल मास्क की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, जब हम मास्क पहनते हैं तो हमारे मित्रों में बड़ी प्रवृत्ति होती है कि इसको उतार के खोल के लेके ठुड्डी के नीचे रख लेते हैं। अगर आपने मास्क से अपने नाक को और मुंह को नहीं ढका तो इसका पहनना ना पहनना
कोई मायने नहीं रखता। ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। इसलिए चावल 80 आया हुआ है और नीचे जा रहा है, और कहाँ जाए, घर में कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है। एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं, एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। और जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं, अंदर से डिस्चार्ज होके कह रहे हैं अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्राई कर लिया, कहीं पे भी कोई भी बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और ना ही क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं यहाँ पर राधा स्वामी आया था बस बेड का देखने के लिए कि बेड मिल जाए ताकि दादाजी ठीक हो जाए, और यहाँ पर मैं बहुत टाइम हो गया चक्कर काटते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसको। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बता रहा है, बेड्स की पूछ रहे हैं तो बस मना कर दे रहे हैं, और उसके बाद कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर आर एम तिवारी और दूसरे हैं उमेश सिंह, बीजेपी नेता। सर, आप दोनों को खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। तो डॉक्टर सर, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है अब जो हालात है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, अब अस्पतालों की बात करें तो व्यवस्था किस तरीके से चरमाई हुई है वहां पर, और इन हालातों से आप किस तरीके से लड़ रहे हैं? आरएम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आरएम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है टेक्निकल दिक्कत है। तो आपको बता दें कि जो हालात है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे हमारे साथ खास मेहमान उमेश सिंह जुड़े हैं, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद कृष्णा जी आपका। तो सर, हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, तो वहीं अब आपको बताई होगा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, उन्होंने हालात को लेकर जानकारी मांगी है। और बात अगर केजरीवाल की जाए तो उन्होंने आज 10 बजे तक हलफनामा दायर करने की बात भी कही है हाईकोर्ट ने। नहीं, बिल्कुल ठीक है करिश्मा जी, जी। एकदम न्यायपालिका ने संज्ञान में लिया और इस तरह के हालात को देखते हुए उन्होंने एक अच्छा सुझाव और अच्छा वो मांगा है और डिटेल्स मांगा है भारत सरकार से भी कि 1 तारीख का कार्यक्रम जो घोषित हुआ है उसके बारे में क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है न्यायपालिका का। और इसी तरह से इसी क्रम में दिल्ली से के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी से भी उन्होंने पूरा डिटेल्स मांगा और उनसे कहा भी कि किस तरह से जो है उसको लाया जा रहा है, टैंकर की व्यवस्था क्यों नहीं है, और ऐसे ऐसे बिंदुओं पर उन्होंने सुझाव भी दिया और उसके लिए हलफनामा भी मांगा, जो आज हलफनामा केजरीवाल जी भी देने जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, देश के हालात ऐसे हैं, आज पूरे देश में पूरी दुनिया में इस तरह के हालात है। आज एक अच्छा है कि देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के हाथ में देश था, जो पूरी दुनिया के लिए मदद के लिए आगे आए थे, और आज भारत को भी जरूरत पड़ी है तो प्रधानमंत्री के को मदद, भारत को मदद मिल रही है पूरी दुनिया से, लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपना टैंकर और ऑक्सीजन और हर तरह से हर व्यवस्था भेज रहे हैं, तो एक ये बड़ा अच्छा वो है भारत के लिए। और निश्चित तौर पर दूसरी एक अच्छी खुशखबरी है कि कल से आज में फर्क भी पड़ा है और थोड़ा सा स्थिति जो है कंट्रोल होना शुरू हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। और लेकिन फिर भी ये निवेदन है पूरी देश की जनता से कि वो जरा सा भी गफलत में ना रहें, पूरी तरह से जो है अपना पूरा मास्क लगाएं, मास्क को लटका के ना रखें, पूरी तरह से उसको कवर करें, और उसके बाद जो है अपना हाथ की सफाई करें, हाथ धोलें, दूरी बनाए रखें, ये सब चीज को अपने आप में देखना, अपने आप में करना पड़ेगा, तभी बच पाएंगे इस महामारी से। और ये निश्चित तौर पर डॉक्टर आरएम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको एएनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। तो सर, आज जिस तरीके से हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और 2020 में जो स्थिति देखने को मिल रही थी, अब वही स्थिति अब सामने एक बार फिर से आ गई, लेकिन जो दूसरी लहर है वो काफी घातक है। अब ये व्यवस्था को लेकर अगर बातचीत की जाए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराना चाहते हैं आप? हमारी जो व्यवस्था है जी, अब बात जिम्मेदारी की अगर की जाए तो क्या होता है कि एक साल पहले इस तरीके की जो कोविड का इन्फेक्शन आया देश में और काफी
लोग उस समय भी संक्रमित हुए, बहुत सारे लोग डरे और बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान भी हुआ, बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। तो लेकिन बीच में हम थोड़ी सी लापरवाही बरत लिए और जो हमारा जो सिस्टम था हेल्थ का, जैसे सबको पता है कि ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव आनी ही आनी है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम से लोगों से भी, आम जनता ने भी और प्रशासन ने भी कोताही बरती है। लोग भी फ्री हो गए थे पिछले कुछ दिनों में। मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कोई किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या कोरोना गाइडलाइंस जो थी उसका पालन करते हुए लोग नहीं दिखे। बाकायदा होली मनाई, बाकायदा तमाम प्रोग्राम किए, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा जो ये देश को आज भुगतना पड़ रहा। बिल्कुल, कोरोना जो है गाइडलाइन का फॉलो नहीं। अब रही बात दूसरी चीज, आपका जो सवाल बहुत बढ़िया है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो मैडम हमारे भारतवर्ष में एक लिमिटेड है। बिल्कुल, एक निश्चित व्यवस्था है, एक लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, लिमिटेड बेड्स हैं। अब उसमें कैसा है कि अब हमारे सामने समस्या क्या हो जाती है कि ये कोविड है, ये नॉन कोविड है, तो हमको ट्रीट दोनों को करना है। मैडम देखिए कैसा होता है, बेइंग ए डॉक्टर मैं आपसे फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से खुले दिल से आज मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जो पेशेंट मेरे पास आता है तो मुझे मेरा अपना डर तो है, मेरा अपना जीवन भी बचाना है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्टेड है वो इन्फेक्टेड ना हो, इसका भी तो ध्यान रखना है। ये नहीं है कि खाली कोविड ही चल रहा है, खाली कोविड के ही पेशेंट हैं, अदर पेशेंट भी हैं, अदर लोग भी हैं जिनको और भी बीमारियां हैं। किसी को कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया, वो एकदम सीवियर पेन के साथ मेरे अभी थोड़ी देर पहले मेरे हॉस्पिटल में आया था और मैं उसको देख रहा हूँ। और मुझे तो ये भी देखना है कि उसके बगल में या उसके साथ में आया हुआ व्यक्ति या वो जहाँ पे वेटिंग रूम में बैठा है उस वेटिंग रूम में कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है जी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाए। तो हमको तो उसमें से डिफाइन करना है कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, और इसको अलग अलग दोनों को ट्रीटमेंट देना है। मुझे इसका भी इलाज करना है, इसका भी इलाज करना है, तो ये एडिशनल हो गया मैडम। तो कोई भी चीज, कोई भी भार आपको एडिशनल लोड अगर आएगा तो व्यवस्था तो चरमरा जाएगी, व्यवस्था तो चरमरानी। तो ये परिस्थिति बनी है, इसकी वजह से थोड़ा सा जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। मैं तो अभी भी अपने हेल्थ वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे भी समय में बेचारे सबके सब लगे हैं। कई सारे मेरे अपने दोस्त, आप जो वॉरियर्स हैं उनको भी सलूट करता है एएनबी न्यूज भी सर। और हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं उमेश सिंह जी, उनको बताइए कि व्यवस्थाएं कितनी लाचार हो चुकी है। हम राम मंदिर को लेकर लड़ते रहे, मस्जिद को लेकर लड़ते रहे, लेकिन हम कभी अस्पताल को लेकर नहीं लड़े। जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, पूरी जनता खराब हो चुकी है, जनता की जो स्थिति है वो एकदम पूरी चरमरा गई है और मरीज भी डर रहे हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे शायद हम पॉजिटिव ना हो तो एक बार फिर से पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्या है कि मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और लोगों ने भी, आम जनता ने भी कोताही बरती है, जिसका नतीजा है हमें अपने आप को प्रिपेयर करना था। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कही थी कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। आपका सवाल था लॉकडाउन क्या विकल्प है, मैंने कहा कि कोई विकल्प नहीं। हम लॉकडाउन खाली प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं कि इतने दिन के समय में हम ये ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे, ये टेम्पररी इतने बेड्स लगा लेंगे, इतने कोविड हॉस्पिटल्स जो है हम डिजाइन कर लेंगे, वहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल करा देंगे, इसके बाद जो भी होगा तो हम उसको प्रिपेयर होने के बाद फिर हम उसके लिए कैपेबल रहेंगे, हम तुरंत उसकी व्यवस्था कर लेंगे। तो लॉकडाउन मात्र इतना ही विषय है, लॉकडाउन से आपका ये कोरोना रेट कम नहीं होगा, इसमें घटाव नहीं होगा, इसमें इस दर में जो है वृद्धि है। अभी दिल्ली वगैरह में मैं देख रहा हूँ 30-40% पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप जो है 100 केस टेस्ट कर रहे हैं उसमें 30-40 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। मुंबई में वो जो रेट है अभी कल का रेट है वो 10-12-13% आ गया, पहले यहाँ पे भी यही हालात थे। तो क्या होता है कि मैडम कहीं ना कहीं आज सभी को सोचना है, सभी को सोचना है। शासन प्रशासन की तो एक जिम्मेदारी होती है, घर का जो मुखिया है मालिक है
मैं बड़े विनम्र भाव से अपने जो भाई बैठे हैं मित्र बीजेपी के, उनसे ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये चीज आप दिल से एक्सेप्ट करते होंगे कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है, हमारी जिम्मेदारी जो बनती थी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज जो है बहुत बड़ी चीजें जो है भुगतने को पड़ आ गई सामने लोगों के, बहुत सारी चीजें लोग भुगत रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जिसके घर में कोरोना ड्यू टू द कोरोना किसी की डेथ हुई तो उसके लिए कोरोना महामारी है, जो हॉस्पिटल जाके रिकवर होके आ गए उनके लिए बीमारी है, और जिसके यहाँ कुछ भी नहीं, अभी तक कोई सफर नहीं किया, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको, तो बस वो तो बोलेगा कि भाई ये तो ठीक है, ये तो अफवाह है, ऐसा है वैसा। लेकिन हम जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। अभी कल ही मेरे एक पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट था एकदम, पहले भी वो ट्रीटमेंट के लिए बार बार हमारे पास आते थे, मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ तो वो रेगुलर आते थे, तो हमारे पास आए तो मैं बोला कि ठीक है आपको इस तरीके एकदम सीवियर वीकनेस वगैरह सारी चीजें शुरू हो गई, तो टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आया, तो लेकिन आज उसकी इस सिचुएशन नहीं बिगड़ी, उसका सिचुएशन श्वास का तकलीफ ये सब सारी तकलीफ नहीं, तुरंत उसको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करा के उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो लोग डर भी रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर जी, जिस तरीके से अब जनता को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि अब जिस तरीके से व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, सरकार पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से इतनी खराब हो चुकी है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चुकी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स की कमी है, तो कहीं ना कहीं जनता को अब अवेयर होना चाहिए और लॉकडाउन से बचना चाहिए, खुद को भी बचाना है इस कोरोना महामारी से, और एक साथ मिलकर एक बार फिर से इस जड़ को मिटाना है कोरोना महामारी को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी तमाम अहम चर्चा के लिए। उमेश जी जिस आपकी तरफ रुक करना चाहिए, क्या लगता है कि पूरा सिस्टम अब फेल हो चुका है? देखिए करिश्मा जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैं डॉक्टर अरिंद तिवारी जी से को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत अच्छा उन्होंने बताया लोगों को, और जो जनता सुनी होगी उनको भी समझ में आया होगा कि किस तरह से बचना है, किस तरह से इस पे ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बोला है सर, वो तो खुद भी डर रहे हैं सर, वॉरियर्स खुद डर रहे हैं, निश्चित तौर पे। लेकिन जहाँ तक अभी स्थितियाँ जो है उसमें पूरा पहले लेयर से, पहले फर्स्ट से पिछली साल से इस बार उससे भी ज्यादा संक्रमित लोग हो रहे हैं, और लोग घबराए हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये अचानक एकदम से जो है ये आया, एक किसी को जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए थोड़ा सा लापरवाही जरूर हुई है, इसको भी मैं मानता हूँ कि थोड़ी लापरवाही भी हुई है, जनता से भी हुई है, सरकार से भी हुई है, और वो हुई किस तरह से कि किसी को जानकारी नहीं थी, वो उसके उसके बिल्कुल उसके आधार पे हुआ है। और अब जो है स्थितियां काफी चेंज हुआ है, आज 3-4 दिनों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा जो है अभी व्यवस्था हुआ है, ऑक्सीजन भी पहुंचने लगे हैं हर जगह पे, अभी काफी अच्छा जो है कवरेज हो रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब धीरे से डाउन भी हो रहा है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने महाराष्ट्र के बारे में बताया, तो अभी वहाँ की स्थितियां भी थोड़ा सा कम हुआ है, और इसी तरह से कई जगह से अभी इस तरह की खबरें आ रही है कि अब धीरे से स्थिति कंट्रोल हो रही है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है जनता के लिए, भारत की जनता के लिए। लेकिन फिर भी इसके लिए बचना, अपने आप को ही कदम उठाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को अपने आप में बचना पड़ेगा, अपने आप में कदम उठाना पड़ेगा, वो केवल दवा और उसके भरोसे में हॉस्पिटल के नहीं बैठे, वो खुद को बचा लेंगे। तो चलिए इसी मुद्दे पे हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ईशान त्यागी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ये एनबी न्यूज पर। तो सर सवाल आपसे ये है, आप देख रहे हैं कि देश में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना काल की जो दूसरी लहर है वो काफी घातक साबित हो रही है, और मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि अब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमा गई है, किसकी हम इसको किसका जिम्मेदार ठहरा इसमें? नहीं देखिए, मैं जो आप कह रहे हेल्थ सिस्टम की बात, तो हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स नहीं, एक्सपोज हुआ है, कोलैप्स तो हो ही गया, साथ साथ में एक्सपोज हो गया कि हमने पिछले 5 साल में या पिछले 6 साल में या 5 से 6 साल भी छोड़ दीजिए, हमने पिछले 7-8 महीने में जो कि हमको फर्स्ट वेव के बाद मिले कि उसमें हमने क्या किया, कितने ऑक्सीजन बेड्स लगाए, कितनी हमने उसमें आईसीयूज बढ़ाए, कितने हमने उसमें वेंटिलेटर्स बढ़ाए, क्या हम सीरियस थे देश में वैक्सीन लाने के लिए, कितनी मात्रा में हम वैक्सीन ऑर्डर कर पाए वैक्सीन कंपनीज को, तो इन सबकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। देखिए तो मैं सीधा सीधा केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, और ये देखिए ये कोई
वैसा क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस है कि आपने लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं कर पाए। देखिए एक यूएस के जो मरीन कॉर्प्स होते हैं उसके कमांडेंट ने बोला था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं, और जो एमेच्योर होते हैं जो जिनको मालूम नहीं होता वो स्ट्रैटेजी बनाते रह जाते हैं। तो अभी भी हम स्ट्रैटेजी बनाने के फेज में हम लॉजिस्टिक्स पे ध्यान नहीं रह रहे हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ ये बात देखिए, अभी जो चार राज्य हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि वैक्सीन जो है 18 सरकार ने वादा कर दिया कि 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स इतने कमजोर हैं कि वैक्सीन का अरेंजमेंट ही नहीं है और 15 मई से पहले ये अभियान स्टार्ट नहीं हो सकता उनके राज्य में। तो या तो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये राजनीति कर रही है कि वो सिर्फ उन्हीं राज्यों को वैक्सीन नहीं पहुंचा रही है, वो भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे, या फिर केंद्र सरकार इतनी कमजोर है, उसके लॉजिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है वो इतना कमजोर है, उनको इतनी अकल नहीं है कि वो वैक्सीन की जो सही मात्रा है, सही डोजेस है, सही नंबर ऑफ डोजेस है, वो पहले से ही उस स्टेट में मुहैया करवा पाए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, सम्मानित व्यूअर्स को आपके, ये ग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। अभी एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मैं उनका नाम नहीं जान पाया, वो बोल रहे थे कि भारत में ठीक हो रहा है। ये देखिए भारत में किस तरह से ये पीली वाली जो लाइन है, अगर आप ये देखें तो ये कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। देखिए ये कंपैरिजन है ब्राजील का, यूएस का और भारत का। तो ब्राजील और यूएस में देखिए किस तरह कंट्रोल हुआ है कोरोना वायरस, क्योंकि देखिए हम बड़े देशों से अपनी तुलना करेंगे, छोटे देशों से तुलना नहीं करेंगे हम अपनी। और देखिए आप किस तरह से भारत में ये बहुत ऊपर जा रही है। तो इस सबके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, उसका मैनेजमेंट है और उसके लीडरशिप है। उसकी जो लीडरशिप है वो कमजोर है। अगर वो लीडरशिप स्ट्रांग होती तो वो पहले से ही पीएम केयर्स फंड का फायदा उठा के, जिसमें कई भारतीयों ने पैसा डाला, अपना भावुक होकर पैसा डाला और अच्छे से करोड़ों रुपए डाला, उसका यूज करती और सारे ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वैक्सीन, आईसीयू, वेंटिलेटर सब अरेंज करके रखती अपने देश की जनता के लिए। देखिए अब भी वो क्या कर रहे हैं, भारत ने कोरोना की जो रफ्तार है अब तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। तो उमेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है कितने सहमत में ईशान जी, जिस तरीके से ईशान जी ने बताया कि अब विपक्ष पार्टियां लगातार वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रही है, सियासत लगातार गरमाई हुई है, ये नहीं पता अब केंद्र सरकार सच बोल रही है या विपक्ष पार्टी सच बोल रही है, तो आप बताइए कितना दावा सच है। देखिए मैं इस आरोप प्रत्यारोप में की बातें इस टाइम पे ना करूंगा और ना मैं पसंद करता हूँ। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज रिपोर्ट आ रहे हैं मैं उसी के आधार पे ही बताया हूँ, वो रिपोर्ट सामने है टीवी चैनलों पे, आपके माध्यम से सब जगह पे देख रहा हूँ, उसी से मैं भी उसको बोल रहा हूँ और उसमें वो दिखाया जा रहा है जी। और जो रही बात व्यवस्था की, व्यवस्था जिस तरह से हमारे यहाँ ये महामारी कभी कहीं नहीं आई थी पूरी दुनिया में, और जिस तरह से इसको कंट्रोल किया गया था पिछली बार फर्स्ट राउंड में, और जैसे ही हमारे भारत के वैज्ञानिक हमारे सारे तेज तर्रार लोगों ने लगे, 1 मई से तो वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, तो महाराष्ट्र में जो हालात है वो आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की मौतें हो रही है लगातार, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर जब वैक्सीन का काम, वैक्सीन ही खत्म हो चुकी है, वैक्सीन ही नहीं है, तो अब वैक्सीनेशन का काम किसी से शुरू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन डेली बन रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और वैक्सीन पहुंच रही है, वैक्सीन लग रही है डेली जो पहले उसका है, और फर्स्ट के लिए तैयारी में पूरी लगी है। अभी कोर्ट ने भी इसका संज्ञान में लिया है, अभी उसको पूरा डिटेल्स भी दिया जा रहा है। अभी जो है ऐसा नहीं है, अभी कोर्ट ने तो मजबूरी में संज्ञान लिया है सर, जब हालात देखते हुए कोर्ट ने जब फटकार लगाई है सर केंद्र सरकार को। चलिए शांति, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात करी वैक्सीन की कि वैक्सीन का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। देखिए इसमें दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि जो बड़े संपन्न देश हैं जिनमें R&D पे फोकस किया जाता है, उन्होंने जो वैक्सीन का ऑर्डर है वो भारत की जो कंपनीज हैं उनको बहुत पहले ही दे दिया था। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पहले से ही कंपनीज को दे दिया और ऑर्डर दे दिया कि हमारे को आप इतनी वैक्सीन मुहैया करवाएंगे। तो उन कंपनीज की भी मजबूरी है कि पहले उन्होंने जिसको जिसका पहले ऑर्डर है उसको पहले डिलीवरी होगी, है ना। तो इसलिए हमारे देश में जो लीडरशिप है उसकी कमजोरी रही, या फिर वो आगे का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं लगा पाए, वो आगे फ्यूचर में नहीं देख पाए कि क्या होगा। उन्होंने पहली बात तो वैक्सीन की जो ऑर्डर है वो धीरे दिए, बाद में दिए। दूसरी चीज ये कि भारत बायोटेक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40 लाख वैक्सीन एक महीने में बना सकती है, which is 4 million vaccines in 1 month।
तो किस तरह की हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ऊपर है, 140 करोड़ के आसपास है इस टाइम। तो अगर आप देखिए तो 40 लाख वैक्सीन अगर एक महीने में बनेंगी तो हम कितने सालों में लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे। देखिए बात हम हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, हम फैक्ट्स पे बात करें और हम तथ्यों पे बात करें। दूसरी चीज, एक आखिरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा इस आपके इस वाली, मैं रैप अप करना चाहूंगा इस वाली बात को कि देखिए पीएम केयर्स फंड की हमने बात करी, अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया कि हम उन्होंने पीएम केयर्स फंड से आवंटित किए 551 या 550 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। क्यों धन्यवाद किया गया मोदी जी को, क्यों धन्यवाद किया गया? देखिए भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने उस पीएम केयर्स फंड में पैसा डाला था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने या किसी ने कोई एहसान नहीं किया है हमारे ऊपर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए, आवंटित किया है अभी तो लगे भी नहीं है, आवंटन हुआ है उनका, उनका अप्रूवल मिला है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और देश के लोगों को भी ये समझना चाहिए। देखिए प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, क्यों इसलिए चलेंगे क्योंकि हमें जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उनको आगे लाना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह की जो मार्केटिंग की टैक्टिक्स है, इस तरह की जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की टैक्टिक्स है, उनसे आपको बचना पड़ेगा और जो सत्य है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और सत्य से ही आप अपना आगे नेता चुन पाएंगे। बिल्कुल उमेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब इस जिस तरीके से हालात आप देख ही रहे हैं तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वैक्सीन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, लोग मर रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों को जगह नहीं मिल रही है, तो इस हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है आने वाले समय में? देखिए करिश्मा जी, हमारे यहाँ बहुत ही चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है, पूरी तरह से लगे हैं, पूरी आर्मी के डॉक्टर भी तैयार हैं, जो वो भी आने को तैयार है, उनको भी बुलाया जा रहा है। जिस तरह से व्यवस्था, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद को भारत की जनता को भी देखा, सर, पूरा एक साल था सर, आप व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं, आपके पास पूरा एक साल बचा था सर। मैडम बिल्कुल, आप सुनिए पहले कि आप पूरे देश के लिए भी व्यवस्था किया और बाहर के लिए भी व्यवस्था किया और आज जरूरत पड़ी तो हमारे लिए रहने दीजिए सर, वो तो हमें पता है किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है, वीआईपी को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो ऐसे मरीज है जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं सही समय पर, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर रहे हैं, सर आप ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था की जा रही है। उमेश जी समय का भाव है, लास्ट कमेंट ईशान जी आपकी तरफ से लेना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि डॉक्टर्स जो है हमारे वो ग्राउंड पे लगे हुए हैं, डॉक्टर्स बिल्कुल ग्राउंड पे लगे हुए हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो हमारी नर्सेस हो, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो, सब ग्राउंड पे लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे लीडरशिप है, जो देश की लीडरशिप है, वो कभी बंगाल के चुनाव में लगी हुई है, कभी अन्य राज्यों के चुनाव में लगी हुई है, उनको वोट चाहिए, उनको जैसे अब मध्य प्रदेश में हम शिवराज सिंह चौहान जी का बयान आया कि हमारा चुनाव पे फोकस है, वो उनका टंग स्लिप हो गया वैसे तो, लेकिन सत्य बाहर आ गया उनके मुंह से कि उनका चुनाव पे फोकस है। देखिए मैं एक बात आखिरी बात ये बोलना चाहूंगा इसमें कि इस तरह में हमको इस टाइम में हमको सबको साथ आके, मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप साथ आइए, सरकार पे भरोसा मत करिए, डॉक्टर्स पे जो अगर आपके किसी परिजन की मौत हो जाती है तो आप डॉक्टर्स पे मत भड़किए। देखिए वो डॉक्टर्स ऑलरेडी स्ट्रेस में काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, डॉक्टर्स 24 घंटे बचाने की जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं उस पे बोल रहा हूँ कि आप लड़िए मत डॉक्टर्स से, वो भी बिल्कुल स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।